हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टमेंट चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त सीए शुभमन। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, क्वार्टर वन के FY 2021 के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि हम इन डेप्थ रिजल्ट का एनालिसिस करें और आप सबको बताएं कि ये शेयर को होल्ड करना चाहिए, इसके अंदर और बाइंग करनी चाहिए या इसके अंदर सेल कर देना चाहिए। आप सबको पता है, ऐसी एक कंपनी जिसकी बम्पर लिस्टिंग हुई थी एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि उसके रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड, आइए एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसका जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये देखिए, अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे लास्ट क्वार्टर में से देखें, कंपेयर करें, तो वो 5792 करोड़ था और इस टाइम वो 3884 करोड़ था। जैसा कि हम सबको होता है कि हमारा आधा क्वार्टर तो वैसे ही लॉकडाउन के अंदर बर्बाद हो गया था, तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सही है। अगर हम March 31 लास्ट क्वार्टर से ही कंपेयर करें तो 6229 करोड़ था और इस टाइम में 4000 करोड़ है, तो इसके अंदर 25% की गिरावट देखने को मिली है। और ये देखिए एम्प्लॉयज़ कॉस्ट के अंदर 6 करोड़ की बढ़ावत देखने को मिली, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करें तो इस पर 25% की अपसाइड देखने को मिली, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी तेज़ी से बढ़ रही है। बट एक अच्छी खबर भी है, इनकी फाइनेंस कॉस्ट ये देख ले हाफ हो गई। हम अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके लास्ट क्वार्टर से 2019 जो 30 जून 2019 में था, जब थी हमारी 16.76 करोड़ और इस टाइम हमारी 7.55 करोड़ है, और लास्ट क्वार्टर में भी हमारी 12.43 करोड़ थी, इस टाइम वो 7.55 करोड़ के। तो फ्रेंड, अगर हम रिजल्ट की तरफ देख लेते हैं, रिजल्ट को देख के आपको थोड़ा सा निराशा ही हाथ लगेगी। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो 335 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 286 करोड़ था, इस टाइम ये कुल 50 करोड़ है, मतलब इस टाइम इसमें 88% की डाउनसाइड देखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है। फिर मतलब हमारा जो ईपीएस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना के बराबर हो गया है। हमने लास्ट ईयर 5.37 का ईपीएस जनरेट किया था और लास्ट क्वार्टर में 4.49% रुपीज़ का ईपीएस जनरेट किया था, और इस टाइम को लो 0.77 रह गया है। तो फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। हम कंपनी के हाइलाइट्स भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने बताया कि इनका टोटल रेवेन्यू 3833 करोड़ का है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33.7% से गिरा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये 109 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसके अंदर डिक्लाइन आई है 81.7% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका ₹50 करोड़ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी 85.2% की डिक्लाइन आई है। बेसिक ईपीएस क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21 का है 0.77, और अगर हम क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर करें तो 5.37, मतलब आप देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। दो स्टोर इनके नए ऐड हुए हैं क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21 से। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको मैंने रिजल्ट का एनालिसिस दिखा दिया है, बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसे कि हम सबको पता है कि आरके दमानी जी की कंपनी है, तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिच वैल्यूएशंस एंजॉय करती है। इसका पीई देखिए 111.45 है और इसका ईपीएस देखिए 20.84 है। अगर हम यहाँ पे ईपीएस में जाएं, अभी ये ईपीएस एडजस्ट नहीं हुआ है, हमने लास्ट टाइम 21.49 का ईपीएस जनरेट किया था। इसमें अगर आप 4.49 ऐड करें और 5.37 को घटा दें तो ये हमारा 20.84 है। जैसे ही ये एडजस्ट होकर 16 रुपीज़ पर आएगा तो आपकी जो पीई है ना फ्रेंड, इस टाइम वो 120 से 125 तक पीई पहुंच जाएगी, और इस टाइम मेरे को नहीं लगता कि कोई भी शेयर इतनी ज़्यादा रिच वैल्यूएशन को एंजॉय करेगा। और ये हमारा जो पार्ट है ना, अभी भी ये शेयर इसमें रिजल्ट का डिस्काउंट भी नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसा आपको अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो प्राइस एक्शन की, मैंने एक प्राइस एक्शन का आप सब लोगों के लिए कोर्स बनाया हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, तो उसके अंदर मैंने आपको फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट का भी बता रखा है। तो फ्रेंड, ये देखिए, जब ये हमारा शेयर ऊपर गया तो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम्स ने इसे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करा, तो इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट था, मतलब ये नीचे आना चाहिए था। और देखिए, जब ये हमारा जब नीचे आने वाला था, लास्ट टाइम हमारी वॉल्यूम आप देख सकते हैं 236901 थी, और इस टाइम ये बढ़ के 471, मतलब आप खुद देख सकते हैं इसमें 50% से भी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गई हैं। और ये कितने रुपीज़ पे बढ़ी हैं, ये देखिए, ये 25 रुपीज़, जब ये लाइफ टाइम हाई बना रहा था 2544 पे बढ़ी थी, और ये हमारी जब बढ़ी तो
हमारा इसने लो कितने का बनाया, 1820 रुपये का। तो फ्रेंड प्राइस सेक्शन के कोर्स से हमें थोड़ा बहुत हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस 100% राइट नहीं होता, बट अगर आप गैम्बलिंग से बढ़िया है आप थोड़ा बहुत सोच समझ के पैसा लगाएं, तो प्राइस सेक्शन हमें डिसीजन को बेटर वे में लेने की मदद करता है। फिर यहाँ से देखिए, जब इस शेयर ने ऊपर जाने की कोशिश करी तो कोई भी किसी भी एंगल से आपको नहीं दिख रहा होगा किसी भी वॉल्यूम ने इसे सपोर्ट करा। यहाँ पे आके जब शेयर ऊपर जाने वाला था 2269 पे, इसे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ने सपोर्ट करा, बट मार्केट की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता थी 30 मई को, कोई भी लॉकडाउन के मतलब फिर से लग रहा था कि जून के अंदर फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि अब हम दोबारा लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो 2269 रुपीज़, उसके बाद अब ये 2322 रुपीज़ चल रहा है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% शेयर होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है, FII के पास 10.42% शेयर होल्डिंग है, FII ने लगातार इस शेयर के अंदर शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, बट DII की ये देखिए लास्ट टाइम से इन्हें थोड़ा बहुत इस शेयर के अंदर सेलिंग करी है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 0.02% से 0.03 हो गया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने इसके अंदर हिस्सेदारी बेच दी है, म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर हिस्सेदारी बेच दी है। आइए देखते हैं इसमें कौन से म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा रखा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड ने इसके अंदर 2.87% की हिस्सेदारी ले रखी है, और इग्नेशियस नेविल नोहराना इसने 2.03% की इसके अंदर हिस्सेदारी ले रखी है। और आइए हम इसके शेयर की डिलीवरी देख लेते हैं। ये फ्री फ्लोट इसके अंदर मार्केट में इन लैक्स 34,60,548 की है, मतलब इसकी मार्केट कैपिटल हम देखें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा इसकी मार्केट कैपिटल है। वैल्यूएशंस के अंदर देख लेते हैं कि इसकी मार्केट कैपिटल कितनी है, 1,50,000 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटल है, वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और ये देखिए क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है कुल 2,75,000 शेयर्स की, और इसके अंदर से 60% शेयर की डिलीवरी उठा ली गई है, मतलब इस शेयर के रिजल्ट की कन्विक्शन इतनी ज़्यादा थी। तो फ्रेंड अभी जैसा कि आप सबने देखा होगा मार्केट फंडामेंटली तो बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही है, बट टेक्निकल्स के हिसाब से ही मार्केट चल रही है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट को फंडामेंटल्स को छोड़ के मार्केट नहीं चल सकती। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो इसके रिच वैल्यूएशंस को एडजस्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस शेयर के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं इस कंपनी के शेयर बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता हूँ, बट अगर मैं शेयर इसके होल्ड करता आता तो मैं इस कंपनी के शेयर में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। आप अगर जो लोग करना चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं, बट ये वीडियो आपको आपका डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।